आ गई मेरी डिलीवरी। तो ये है ना बड़े काम की चीज है, इनके बगैर काम नहीं चलता। जैसे जैसे हम हाँ लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मिल नहीं रहा था। हाँ वो भी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उन चीजों के हैबिचुअल होते जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये चीजें हमारे लिए इतने काम की हो जाती हैं कि इनके बगैर फिर रह नहीं सकते। तो चलो ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। क्या क्या मतलब हमने जो मंगवाया हमें तो पता ही है, आपको दिखाते हैं। दे जीवन साथी, क्योंकि सारे दिन के जो काम होते हैं इन्हीं में ये हमारे क्या आते हैं, साथ देते हैं। भाई चाहिए पाउडर है, मशीन है, चाहे कोई और काम की इस तरह की फैसिलिटी है, तो ये हमारे क्या है, आधे जीवन साथी हैं। तो आइए मैं अब इनसे मिलवाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। हम ठीक हैं बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे इस महामारी के टाइम पे। जो COVID-19 का जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसमें सभी जो है सफर कर रहे हैं, तो हम भगवान से कामना करते हैं कि अपना ये परिवार, सब जो हम हैं, आप हैं और हमारे नियर डियर हैं, सभी जो है कुशल मंगल रहें, और भगवान किसी के घर में भी इस तरह की कोई भी ये बीमारी या समस्या नहीं लेकर के आए। तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम कौन सा पाउडर, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा रिंसेड है। ये जो डिशवॉशर है इसमें तीन चीजें हम यूज करते हैं। एक है डिटर्जेंट जो धुलाई के काम आता है, जो हम हर रोज डालते हैं, जैसे हम अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं पाउडर डालते हैं जैसे। दूसरी चीज है सॉल्ट है इसका, जो डिशवॉशर का स्पेशल सॉल्ट है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के काम आता है, और वो एक बार में ही डलता है, पूरा पैक हम एक बार में ही डालते हैं। ठीक है, उसका ये भी है अगर हम ना डालें तो भी चल जाता है। हाँ। लेकिन कई बार क्या है कि हमारा पानी का हमें ये नहीं पता कि वो कितना हार्ड है, तो इसलिए हमें उसको डालना जरूरी हो जाता है। यदि आपका वाटर सॉफ्ट है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं एक आध बार, जैसे हमें 6-7 दिन हो गए अब डाले हुए। हाँ, 6-7 दिन ज्यादा ही दिन हो गए, ज्यादा दिन हो गए, क्योंकि ये नहीं धोते ना बर्तन में, धोते पता है डिलीवरी लेट आई है और ये सॉल्ट खत्म हो गया था। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, कुछ दिन निकल जाए, आपका पानी सॉफ्ट है, सप्लाई का पानी अच्छा पानी है, तो हाँ, काम चल सकता है। तीसरा है रिंस एड, जो इसके अंदर हम डालते हैं, जो बर्तनों की चमक के काम आता है, कि उनकी शाइनिंग के लिए यूज होता है। तो ये पैक हमने मंगवाया है अमेजन से। आप लोग भी इस तरह की जो स्कीम्स हैं उसमें आती रहती हैं, जैसे तो इसमें क्या था, जैसे 3 किलो डिटर्जेंट था और 3 किलो सॉल्ट था और 500 ml रिंस एड था, और ये हमें पड़ा 1,050 रुपए का। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा जो हमें मिला है वो डीस्केलर मिला है एक, ये डीस्केलर है फॉर्चून का ही है, ये फॉर्चून का पैक है पूरा। फॉर्चून का पैक हम इसलिए यूज करते हैं, शुरू से हम ये यूज कर रहे हैं, बीच में जब कोविड का टाइम था तो लॉकडाउन था तो उसमें हमें अवेलेबल नहीं हुआ था अमेजन पे, तो हमने एक दो कंपनियों का और भी यूज किया सॉल्ट और रिंसेड, तो उसमें हमें मजा नहीं आया। डिटर्जेंट भी मंगवाया था। तो जैसे फिनिश का है, फिनिश जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली ब्रांड है, कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम फॉर्चून का यूज करते हैं ताकि सस्ता पड़े। हमारी जेब के हिसाब से हम देखें तो हमें थोड़ा सा वो यूं लगता है कि वो कॉस्टली है, तो ये हमें सबसे बेस्ट लगा, और रिजल्ट जो था वो भी हमारे लिए बेस्ट आया इसका कंपैरेटिवली और के जो और भी ब्रांड हैं उनके हिसाब से, क्योंकि जो 2-3 हमने यूज किए तो उनके कंपैरेटिवली हमें ये अच्छा लगा, तो हम यही जो है अब प्रेफर करते हैं। और वही है कि जब अपनी जेब को हमने देखना है तो इस टाइप की जो स्कीम्स आती हैं या जैसे इन पे कुछ इस तरह के ऑफर्स आते हैं, तो भाई खत्म हो गया है तो मेरा काम है सर को बताना, तो इस तरह की चीजें ये देख लेते हैं कि किस टाइम जो है ऑफर आया हुआ है, या जो है अपना कार्ट होती है उसमें डाल लेते हैं कि भाई ये जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें याद रह जाता है। तो इस चीज के लिए ये हमने पहले ही जो है ये ऑफर आया तो ये हमने ले लिया। अभी 3-3 किलो है, 3-3 किलो का मतलब कि जैसे फॉर्चून का डिटर्जेंट है ये MRP इस पे 220 रुपए है, तो ये 1.5 महीना जरूर चल जाता है। बिल्कुल, हाँ मेरा 1.5 महीना चल जाता है, कि आप लोगों का जैसे कई बार क्या होता है कि फैमिली बड़ी है तो 3 टाइम भी बर्तन धुल सकते हैं, और मैं 2 टाइम धोती हूँ, या यूं लगा लो कि अब बच्चे कई बार नहीं है, बाहर पढ़ रहे हैं तो वो नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि मेरे बर्तन इतने इकट्ठे नहीं होते, दिन में कभी एक बार भी धुल जाते हैं,
तो इसलिए जो मेरा अपना आइडिया है तो मेरा ये 1 से 1.5 महीने तक आराम से चल जाता है ये जो डिटर्जेंट है। ये जो डिस्केलर है इस पे MRP है 150 रुपीज, तो ये हमें इसमें फ्री पड़ा है इतना पैक मंगाने के लिए। ये डिस्केलर इसकी क्लीनिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद एक वीडियो हम बना देंगे जो पूरी क्लीनिंग की वीडियो होगी कि हमें क्या क्या साफ करना है, हमें फिल्टर कैसे साफ करना है, इसकी बाकी बॉडी कैसे साफ करते हैं, तो इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे। तो अब इनको हम इसमें डाल के दिखाते कि आपका सॉल्ट कहाँ पे डालना है, रिंसेड कैसे डालना है, और डिटर्जेंट तो हम रोज डालते हैं जैसे, ठीक है। ये एक बार पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया भी था बाकायदा, लेकिन हाँ। क्या है कि क्योंकि पीछे चला गया है और एक बार फिर से जैसे हम उसको करके दिखा देते हैं कि इसको कहाँ कैसे डाला जाता है। अब डॉक्टर साहब इसमें ये सॉल्ट और ये रिंसेड और डिटर्जेंट कहाँ डालते हैं वो एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। अब इसमें कईयों ने पूछा कि इसमें मंथली एक्सपेंडिचर कितना आता है। मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अब ये जैसे इसमें मैंने निकाल रखा है, तो ये जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का MRP 100 रुपीज ही है, ठीक है, और ये करीब 1 महीना चलता है, ये पूरा पैक एक बार में डलता है। और ये जो यहाँ पर जो डिटर्जेंट है इसका MRP है 220 रुपये, ये रहा 220 रुपये, तो ये चलता है करीब 1.5 महीने के आसपास। तो हम यूं मान के चलें कि 150 रुपये के आसपास 1 महीने का खर्च आएगा, है ना, ठीक है। और ये जो रिंस एड है ये 500 ml है, इसके ऊपर MRP है 150 रुपीज, 150 रुपये इस पे MRP है, तो ये भी 1 महीना चलता है। तो हम इसको मोटा मोटा मान के चले तो 150 रुपये का डिटर्जेंट, 150 रुपये का रिंस एड और 100 रुपये का सॉल्ट यदि लगाए तो ये करीब 450 रुपये महीना का इसका खर्च आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो अभी बाकी है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे पूछा कि बिजली कितनी खाता है, बिजली बहुत नॉमिनल सी लगी हमें तो एटलीस्ट, तो ये उसमें मैंने पढ़ा भी था तो उसमें लिखा रखा था कि ये 1 से 1.5 यूनिट खाता है। इसके जो अलग अलग डिफरेंट साइकिल्स है ना जैसे, तो यदि हम इंटेंसिव प्लस पे भी इसको करके देखें तो ये 1 से 1.5 यूनिट बिजली खाता है एक साइकिल में, मतलब एक बार के बर्तन धोने में दिन में जैसे एक साइकिल पे ये 1 या 1.5 यूनिट खाता है। जैसे हम मैक्सिमम भी लगाए तो हमारे यहाँ जैसे 6 रुपये यूनिट है, तो एक बार धोने में 9 रुपये का खर्च आता है इसका, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जितनी बार भी धोएं तो उसका एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। 9 रुपये तो मैक्सिमम है एक साइकिल में ना, जैसे हमारे यहाँ कॉस्टली है काफी, दिल्ली में तो बहुत सस्ती है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर है इसका 400 रुपये, इन तीनों का लगा लें हम और 450 लगा दो, मान लिया 450 लगा लो, और ये जो बिजली का खर्च है एक बार धोने का 9 रुपये आता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें मतलब 1000 रुपए के आसपास, 900 से 1000 रुपए हमारा जो इसके ऊपर खर्चा आता है, और जो कि हमारा आजकल मेड के हिसाब से भी देखें और मेड से अलग अगर इसकी हम फैसिलिटी देखें तो वो भी जो है हमें ये बेनिफिशियल लगता है भाई। हाइजीनिक भी है, क्लीनिंग भी प्रॉपर है, ठीक है ना, और किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है हम, ठीक है भाई। ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना तो किसी फॉर्च्यून की तरफ से है और ना ये तो किसी सीमेंस की तरफ से, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है। और दूसरे आप फ्रेंड्स जो इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरे बहनें हैं तो उनकी जो क्वेरीज हैं उनको दूर करने के लिए हम ये बना रहे हैं, अदरवाइज हाँ, कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे अभी पीछे कमेंट्स ना में, तो हम सीमेंस वालों की तरफ से है, तो कोई भी ब्रांड हो सकता है आपका, LG है, बोश है, सीमेंस, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, वो अपनी पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंगली खरीदें। तो अभी ज्यादा लंबी बकवास ना करते हुए इसको जल्दी से खोलो डॉक्टर साहब, इसको डाल के दिखा दो एक बार फटाफट, इसको हम ओपन करेंगे। और ये तो हमारा जैसे पाउडर के लिए, पहले सॉल्ट लो आप, सॉल्ट का बताओ, सॉल्ट के लिए ये जो है इसको मैं निकाल लेती हूँ, ट्रे को हटा दो ताकि कम्फर्टेबली हम इसमें डाल सके सॉल्ट यहाँ पर। तो ये जो चैम्बर है ना, ये सॉल्ट है, इसको आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है बस, ठीक है। तो उठा लो अब इसको ऊपर, छोटा सा साइकिल है बस, है ना, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे ना तो इसके अंदर पानी भरा मिलेगा आपको, और यू कहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में यदि पानी नहीं है तो आप पानी डाल दो इसमें और फिर सॉल्ट डालो, ठीक है, तो तब आपको डालना है। अब ये तो पानी थोड़ा सा बाहर तो निकलेगा, लेकिन यूं ना लगे कि पानी बाहर निकलेगा और ये सॉल्ट इसके अंदर चला जाएगा जितना भी है। आप देख के ढंग से डालो डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा पास कर लेंगे, ये तो दिखाने के लिए थोड़ा सा ना बाहर जा रहा है, अदरवाइज इसको बिल्कुल पास करके डालेंगे तो हमारा बिल्कुल भी नहीं गिरता है नीचे। ये 1 किलो सॉल्ट आपका आ जाएगा इसके अंदर,
बिल्कुल खाली कर देते हैं भैया। अब जो चीज आई है देखो उसके पैसे तो लगे रहे तो हम इसको बिल्कुल खाली करेंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो वैसे भी जो डिटर्जेंट आता है ना उसमें पानी डाल के हिला के उसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि भाई अब पैसे तो लगे हुए तो ये हमने इसमें डाल दिया है। ये जो सॉल्ट है इसको आप वाइप कर दें नैपकिन से इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको ढक्कन को लगा दें, लगा दो ऐसे ही है। अब ये इसको रख के और क्लॉकवाइज में हल्का सा आपको रोटेट करना है इस तरह, बस ये इसमें सॉल्ट लोड हो गया आपका, जो एक महीना चलेगा, एक किलो था और 100 रुपए का था, 100 रुपीज का, ठीक है। अब ये जो रिंस एड है, ये रिंस एड हमें डालना है यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर डालना है ये रिंस एड। लेकिन भाई एक बात बता देती हूँ, ये ऐसे हम इसको डालते हैं ना तो क्या होता है ये थोड़ा गिरता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है इस तरह की, जैसे कई बोतल जाती है हमारे पास ऑयल है या कुछ शैम्पू वगैरह आते हैं जिन बोटल्स में, इस तरह की जो कैप आती हैं उनको आप उतार के रख लें या जैसे भी आपके घर में है तो उनको इस पे यूज कर लेंगे। कैसे, इसको हटा करके और इसको लगा लेंगे। साथ ही इसकी जो ये नीचे एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि ये इसको अच्छे से टाइट नहीं होने देगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे निकाल देंगे, और निकाल के इसको इसके ऊपर लगा लेंगे। जैसे मैंने वैसे भी कई यूज पे किया हुआ है, जैसे ऑयल है शैम्पू है वो निकालती हूँ, तो मैं इसी तरह से वो कैप लगा लेती हूँ ताकि हमें इजी हो जाए। तो इसको जैसे हम ऊपर उठाते हैं तो ये क्या हो गई है, ऑन हो गई है, मतलब खुल गया है, और नीचे करने के बाद ये लॉक हो जाएगी कि ये बाय चांस हमारा हाथ लग जाए गिर जाए तो ये निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हम इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर करके अब हम डालेंगे, क्योंकि अभी भरी है थोड़ा फुल है तो इसलिए थोड़ा सा तो इसका प्रेशर ज्यादा रहता है, तो हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे डालेंगे। क्या होता है बुलबुले भी बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये ऐसे लगता है जैसे भर गया है, वो एकदम से ज्यादा आ जाता है। ये देखो जैसे अभी आप ऊपर तक भर जाएगा ये, हाँ, और एक बार इसको हाँ ये मतलब कितने ही डाल लें आपको, ज्यादा यूं भी नहीं कि भरना है आपको, हाँ इच्छा है, लेकिन ये जो भर जाता है फुल हो जाता है उसके बाद ये हमारा लगभग एक वीक निकाल देता है, एक वीक, हाँ जी एक वीक भर गया, हाँ जी। और भरने में क्या लगा हमारा, बहुत थोड़ा सा लगा है, नहीं भरा, ना भर नहीं आया हुआ यहाँ पे, हाँ जी ठीक। और देखो कितना लगा है, इतना सा लगा है, तो एक वीक में तो इसका मतलब दो तीन चार मतलब पांच वीक आराम से हमारे इसमें निकल जाएंगे। और ये 150 रुपए का आता है रिंस एड, फॉर्चून का है ना, हाँ जी। और इसमें भी ये नहीं है कि जरूरी है डालना, जब आपकी इच्छा है नहीं डालना चाहते, पांच चार दिन खत्म भी हो गया है या वैसे भी नहीं चाहते कि स्किप कर दो, कोई भी कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा शाइनिंग के लिए है ये, हाँ डाल दिया है। अब इसको फिर यहाँ पे ऐसे लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया है। और यहाँ पे तो आप देखते ही हो, पता ही है कि यहाँ पे क्या डाला जाता है, इसका डिटर्जेंट डाला जाता है। और डिटर्जेंट मैंने दिखाया था कि मेरी एक छोटी सी स्पून है, उस स्पून से जो है वो मसाला स्पून जो होती है अपनी डालने की, वो स्पून एक है बार डाल के भी दिखा दो कितना डालोगे, अगली जब धोएंगे सब नहीं डालेंगे ना, हाँ जी नहीं मैं अभी लगाऊंगी बर्तन, जैसे तो बर्तन भरे पड़े हैं डॉक्टर साहब के, है ना, हाँ जी। तो ये जो है देखो, ये मैं एक जैसे ये हो गई है ये ही डालती हूँ मोस्टली तो, लेकिन अगर हाँ बर्तन ज्यादा हो तो बस हाफ और डाल देती हूँ, इस तरह से ये हो गया, इतना ही डालता है भाई, है ना, हाँ। एक ने पूछ रखा था कि इतने में काम चल जाता है, नहीं हाँ चल जाता है हमारा काम उतने में चल रहा है तो हम ज्यादा क्यों डालें, है ना, हाँ जी बिल्कुल। और फिर इसको आप लॉक कर देंगे और ये ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है, और इसको इसकी ट्रे रख दो बस, हाँ जी हाँ जी, ये इसकी ट्रे एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज किस तरह से लोड हो गई है ये हमने एक बार फिर से दिखा दिया आपको इस वीडियो में, और कितना खर्चा है वो बता दिया है, खर्चा भी है या जो हम यूज करते हैं क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो चीजें हैं। वैसे आप जो ब्रांड यूज करते हो सकता है कि वो आपको अच्छा लगता हो, नहीं अच्छा है, जैसे फिनिश का बताते हैं कि अच्छा है बट वो हमें कॉस्टली लगा भाई, इसलिए हम नहीं यूज करते, ठीक है, जो हमें नॉर्मल लगे हमारे किचन के खर्चे के हिसाब से काम दे वो हम यूज करते हैं। तो ये फॉर्चून का हमने यूज किया है, और ये डीस्केलर जो इसके साथ आया था ये इसकी डीस्केलिंग का मतलब जो भी गंद वंद इधर उधर नालियों में फंसा हुआ उसको क्लीन करता है, तो ये इसके बाद ये वीडियो बना के हम आपको जरूर दिखा देंगे ना, पहले भी पूछा हुआ कि क्लीनिंग कैसे करनी है इसकी, हाँ, तो ये इसके लिए आता है, ये अभी तो हमारा इसके साथ ही पड़ा है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े या आपको एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता है, ये वन टाइम यूज होता है एक पैकेट ना, हाँ जी हाँ। और इसी के साथ ही आपके भी इससे संबंधित कोई एक्सपीरियंस रहे होंगे या आपके कुछ विचार हैं या आप हमें भी कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी आदमी को हर बात का पता हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
डॉक्टर।